कोरोना से मौत के मातम के बीच एक काली आफत गला घोंटने पर तुली है। ब्लैक फंगस ने कई राज्यों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और राजस्थान ने तो इसे महामारी घोषित कर दिया। दिल्ली यूपी तक ब्लैक फंगस आफत बनकर कहर ढा रहा है। कोरोना वायरस से अभी जंग चल ही रही थी कि ब्लैक फंगस नाम की एक नई आफत आन पड़ी है। जी हाँ, ब्लैक फंगस। कोरोना को मात दे चुके तमाम लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो गए हैं। देश के तमाम राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस किस तरह पूरे देश में फैल रहा है, इसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों से मिल सकता है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 177 मरीज मिले हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 900 से ज्यादा केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 281 केस पाए गए। उत्तराखंड में 23 लोगों को ब्लैक फंगस का संक्रमण हुआ। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा केस सामने आए। ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की चपेट में आकर 90 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में ब्लैक फंगस की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने केंद्र से ब्लैक फंगस की दवाओं की खेप जल्द से जल्द पहुंचाने की मांग की। जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शन पूरा परचेस करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। मांग इतनी ही है कि 1500 के करीब महाराष्ट्र में संख्या है, और अगर एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को अगर 100 इंजेक्शंस पकड़े जाए तो करीबन 1.5 लाख इंजेक्शंस तो आराम से इसको लगते हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस नया खतरा बनकर सामने आया है। ब्लैक फंगस के तेजी से पांव पसारने की वजह से तमाम राज्य चौकन्ने हो गए। राजस्थान और हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के लिए 20-20 बेड के वार्ड तैयार किए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए और सभी अस्पतालों को कहा गया है, सिविल अस्पतालों को, कि अगर उनके पास कोई ब्लैक फंगस का केस आए तो ये बेहतर है कि उसको वो मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दें। राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के तमाम मामले सामने आए हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 40 केस सामने आए हैं। मैक्स अस्पताल में 25 केस, एम्स में करीब 20 केस और मूलचंद अस्पताल में ब्लैक फंगस का एक केस आया है। वी हैव गॉट 48 पेशेंट्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस एडमिटेड एट सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड 16 पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। द ग्रुप ऑफ IENT सर्जन्स आर लुकिंग आफ्टर दिस पेशेंट एंड आर बीइंग सपोर्टेड बाय अ डेडिकेटेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। मेरठ में ब्लैक फंगस के 42 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 3 लोगों ने ब्लैक फंगस से दम तोड़ दिया है। यहाँ पे अलग अड़ोस पड़ोस के जो जिले हैं वहाँ से भी पेशेंट रेफर होके आए हुए हैं। जैसे मुरादाबाद से भी हैं पेशेंट, बड़ौत से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, सहारनपुर से हैं, तो कुल मिला के यहाँ मरीजों की संख्या 42 है। ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना संक्रमितों के लिए दोहरी आफत बनकर आई है। कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के मरीजों में संक्रमण ज्यादा हो रहा है। ब्लैक फंगस से आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।